गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में मैं एक बार आपको क्लियर कर दूं, ये हमारा चैप्टर चल रहा है इंटरनल कंट्रोल। काफी दिन लगा दिए हमने इसमें। इसके अंदर की कवरेज जो है, मैं आपको ये टॉपिक जो मैं टिक मार रहा हूं, मैं ये करा चुका हूं टॉपिक्स आपको। इंटरनल कंट्रोल ऑब्जेक्टिव इनहेरेंट लिमिटेशन, सीआईएस एनवायरनमेंट एंड इसके जनरल कंट्रोल, ये आज मैं कराता हूं आपको। ये आज मैं आपको कराता हूं, आज का ये टॉपिक है। एक तो इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट, इंटरनल रिस्क, ये हम कर चुके हैं। अराउंड द कंप्यूटर, थ्रू द कंप्यूटर मैंने करा दिया था हैंड रिटन नोट से आपको, और मैंने कहा था आपको एक बार आप रीड कर लेना इन नोट से। कंप्यूटर एडी टेक्निक के बारे में हमने, ये थोड़ा सा हमने पढ़ चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। बाकी थोड़ा सा आज भी यूज हो जाएगा ये, तारो मेरा पेंडिंग है, इसके मैं नोट्स आपको सेंड करवा चुका हूं, ठीक है। कारों के बारे में आज थोड़ा सा डिस्कस कर लूंगा मैं आपके बारे साथ, ये भी आज का टॉपिक है मेरा, और ये भी थोड़ा सा होगा। इसको फिनिश करते हैं ताकि हम आगे प्रोसीड करें। कारो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट ऑडिट। देखिए जी, पहले मैं आपको अपने टॉपिक जो रह गए हैं वो कवर करा दूं। लास्ट क्लास के अंदर हमने ये करा था ऑडिट अराउंड द कंप्यूटर एंड थ्रू द कंप्यूटर वाला टॉपिक कवर किया था। उसके बाद मैंने आपको मीनिंग बताया कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम का, मीनिंग क्या होता है कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम का। उसके बाद मैंने आपको मैनुअल और कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम का डिफरेंस क्या होता है, मैनुअल में क्या होता था और कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या होता है। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम का नाम दूसरा है ईडीपी, ईडीपी इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। इसकी प्रॉब्लम के बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि व्हाई व्हेन वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम द मैनुअल सिस्टम टू द कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम, व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस बाय द कंसर्न, वो हमने पढ़ लिया। आज हमारा टॉपिक है कि हमारे ऑब्जेक्टिव और स्कोप में क्या फर्क पड़ता है अगर हम कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज करते हैं। आपके ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप में क्या फर्क है, देखो ना, ऑडिटर ने ऑडिट करना, मैनुअल सिस्टम में भी ऑडिट करा जाता था एंड कंप्यूटर सिस्टम में भी ऑडिट करा जाता है। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव चेंज हुआ है नहीं हुआ, स्कोप में चेंज आया या नहीं आया, वो हम बात कर रहे हैं आज। यहां लिखा है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या है, एक्सप्रेस करना ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल ऑन स्टेटमेंट। ऑब्जेक्टिव तो वही है अभी भी, उसमें भी वही था, मैनुअल में भी और कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर भी वही है। मतलब देयर इज नो चेंज इन ऑब्जेक्टिव ऑफ सीआईएस ऑडिट, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इन सीआईएस एनवायरमेंट टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स टू एंड फेयर व्यू ऑफ द कंसर्न और नॉट, वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सप्रेस true and fair view on the financial statement of state of affairs of the concern or not. Objective same है जो manual में था वही है। Scope of duties of auditor, scope क्या है, scope में कोई change आया, scope of duties of auditor, auditor की duty क्या है, auditor की duties क्या है, auditors की duties के बारे में हम बात करते हैं। इसमें बताया गया basically कि auditor की, मतलब अगर आप scope of duties of auditor की बात करते हो तो as decided by the
as decided by requirement of law, as decided by requirement of standard auditing letter of engagement. That will decide the scope of audits of the duties of the auditor. लॉ बताएगा, स्टैंडर्ड्स बताएंगे, लेटर ऑफ एंगेजमेंट से पता लगेगा आपको. उसके बाद बात आती है कि ये जो लॉ है, रेलेवेंट लॉ, अगर कंपनी एक्ट है तो कंपनी एक्ट 2013, ठीक है ना, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के अकॉर्डिंग पता लगेगा, लेटर ऑफ एंगेजमेंट के ऊपर पता लगेगा कि स्कोप क्या है ऑडिटर का. उसके बाद बात आती है कि टू कलेक्ट, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, ऑडिटर की ड्यूटी क्या है, ड्यूटी टू कलेक्ट sufficient and appropriate evidence. Duty क्या बनती है उसकी prime auditor की, to collect sufficient and appropriate evidence, to perform risk assessment procedure, to test of control, test of detail, analytical procedure. ये सारी चीजें इसमें कवर होगी basically. Auditor का scope पता, scope कहां से पता लगता है, law से, standard of auditing से, letter of engagement से, scope पता लग गया. अब auditor को scope को जो area उसको check करना है, जिनके अकॉर्डिंग चेक करना है, जो दायरा उसको दिया गया, ज्यूरिसडिक्शन उसको दी हुई है कि इतना एरिया चेक करना है आपने एज पर लॉ, एज पर स्टैंडर्ड एक्ट, एज पर द लेटर ऑफ एंगेजमेंट बिटवीन द कंसर्न एंड द ऑडिटर. ऑडिटर की ड्यूटी बनती है कलेक्ट करना, टू कलेक्ट सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट. सफिशियंट मतलब क्वांटिटी वाइज सफिशियंट एविडेंस हो, अप्रोप्रिएट हो, अप्रोप्रिएट मतलब जेन्युइन, रेलेवेंट होने चाहिए. टू परफॉर्म रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, टू परफॉर्म रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल, एनालिटिकल प्रोसीजर, ये सारा काम करना पड़ेगा. इट्स अ ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर, इट्स अ ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर इन सीआईएस एनवायरमेंट. स्कोप में मैंने तीन बातें बोली यार आपको, लॉ, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग एंड लेटर ऑफ एंगेजमेंट विल डिसाइड द स्कोप ऑफ द ऑडिटर, एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर टू कलेक्ट अप्रोप्रिएट एंड सफिशियंट एविडेंस, एंड फॉर दिस auditor has to perform the analytical procedure, risk assessment procedure, test of control, test of details. ये सारा काम करना पड़ेगा auditor को. Approach to scope will change. Scope will not change. मतलब इससे ये पता लगा objective और scope auditor का नहीं change हो रहा यार. Manual system में भी objective same था, computer system में भी objective same है. Manual system में भी scope same था. That will decide by the standards, law, letter of engagement. In CIS environment, also the scope will same. But the approach to check, approach to scope will change. That is the procedure. उसमें क्या है? Nature, time and extent of audit will change. Approach to scope will change. That will nature, time and extent of audit will change. ये इतना सा हमारा topic था. छोटा सा टॉपिक, बड़ा सिंपल सा था, जिसमें मैंने आपको बस ये क्लियर करा अभी तक, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट पहला टॉपिक मेरा आज का, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट. इसमें हम दो बातें कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट. मैनुअल में क्या था और सीआईएस एनवायरमेंट में क्या फर्क पड़ा. देखो जी, जहां तक स्कोप की बात है, स्कोप इधर भी सेम था, इधर भी सेम है, दोनों जगह सेम. ऑब्जेक्टिव मैनुअल सिस्टम में भी आपका सेम था, सीआईएस एनवायरमेंट में भी सेम है, बट फर्क क्या हो गया, approach will change. आपकी approach change हो गई, ठीक है ना, क्या change हो गई है, approach. Approach किस चीज की, basically approach of doing the audit, approach of doing the audit will change. Scope and objective will remain same, जो पहले थे वही अब है, but approach will change, ठीक है ना. आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं. देखिए, अप्रोच टू स्कोप विल चेंज, द नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल इन सीआईएस एनवायरमेंट. टॉपिक आता है इंटरनल कंट्रोल ऑन सीआईएस एनवायरमेंट.
देखिए नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनल कंट्रोल इन सीआईएस एनवायरनमेंट। अभी आप इधर का एरिया में देखिए, ये देखिए इंटरनल कंट्रोल इन सीआईएस एनवायरनमेंट आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। देखिए इंटरनल कंट्रोल इन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर इंटरनल कंट्रोल दो तरह की कंट्रोल है यार, एक जनरल कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल, दीज आर द जनरल कंप्यूटर रिलेटेड कंट्रोल, एक है एप्लीकेशन कंट्रोल, एक है एप्लीकेशन। दो बातें कर रहा हूं मैं यहां पे आपसे, एक जनरल कंट्रोल है, एक एप्लीकेशन कंट्रोल। टॉपिक का नाम है इंटरनल कंट्रोल इन सीआईएस एनवायरनमेंट। सीआईएस एनवायरनमेंट में दो तरह के कंट्रोल की बात हो रही है, एक हो रही है जनरल कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल, सेकेंड वन इज एप्लीकेशन कंट्रोल। मैं आपको ये नोट्स में भी दिखा देता हूं, ये मेरा टॉपिक था जनरल एंड एप्लीकेशन कंट्रोल। देखिए इंटरनल कंट्रोल इन अ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल इन अ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम, कि हमारे इंटरनल कंट्रोल क्या है अगर हम कंप्यूटर इंफॉर्मेशन बेस्ड सिस्टम के थ्रू ऑडिट कर रहे हैं तो उसमें किस तरह के इंटरनल कंट्रोल हमें देखने हैं। एज एन ऑडिटर आपको चेक करना पड़ेगा जर्नल कंट्रोल एंड एप्लीकेशन कंट्रोल। पहले मैं आपको जर्नल कंट्रोल की बात बताऊं, जर्नल बिल्कुल सिंपल पर्पस इसका ये है कि ओवरऑल कंट्रोल होना चाहिए सीआईएस कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम एक्टिविटीज के ऊपर, ताकि एक रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस मिले दैट ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल अचीव हो रहा है, कि एक रीजनेबल एश्योरेंस मिले कि हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट कंट्रोल, यहां पे भी यही बातें लिखी हुई है कि ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट कंट्रोल, सिस्टम डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस कंट्रोल, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल, ऑपरेशन कंट्रोल, डाटा एंट्री कंट्रोल। मैं आपको यहीं से क्लियर कर देता हूं, पांच तरह के कंट्रोल की हम बात कर रहे हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल इन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम, वन इज द जनरल कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल, वन इज द एप्लीकेशन कंप्यूटर कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल। इसमें पांच पॉइंट्स आएंगे जनरल के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट कंट्रोल, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट कंट्रोल का इसमें क्या क्या आ सकता है, हम क्या क्या लिख सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो फ्रेम कर रही है अपनी पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजेशन जो रूल रेगुलेशन बना रही है, जो बायलॉज बना रही है, उसमें ध्यान रखिए कि इनकम्पैटिबल फंक्शंस को अलग करें, सेग्रीगेट करें। एक बंदा अगर एक काम कर रहा है, दूसरा काम किसी और को दिया जाए करने के लिए। इनकम्पैटिबल फंक्शन, अगर एक एरिया ऑफ वर्क मेरे पास है तो सेकेंड एरिया ऑफ वर्क दूसरे के पास होना चाहिए, मतलब डिवीजन होनी चाहिए काम की प्रॉपरली। ये आपने नहीं लिखना अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर, आपने लिखना है कि वाइल फ्रेमिंग द पॉलिसीज सेग्रीगेशन इनकम्पैटिबल फंक्शन, जैसे यहां लिखा भी हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट कंट्रोल आर डिजाइन टू एस्टेब्लिश फ्रेमवर्क एक्टिविटीज जिसमें आएंगी पॉलिसीज एंड अप्रोप्रिएट सेग्रीगेशन ऑफ इनकम्पैटिबल फंक्शन, कि पॉलिसीज प्रोसीजर क्या है कंट्रोल फंक्शन के लिए, कंट्रोल फंक्शन के से रिलेटेड क्या पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनाया गया है, फर्स्ट वन। एंड सेकेंड वन, अप्रोप्रिएट सेग्रीगेशन होनी चाहिए आपकी इनकम्पैटिबल फंक्शंस की। सेकेंड वन इज सिस्टम डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस कंट्रोल, कि आपके पास जो सिस्टम है उसको इस तरह से डेवलप करो, डेवलप करना सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम को, जो आपका इंटरनल सिस्टम है उसको इस तरह से डेवलप करना कि आपकी
आप इसको प्रॉपरली मेंटेन कर पाओ कंट्रोल को. ये नहीं स्टार्टिंग में बिगिनिंग में कंट्रोल मिल गया, आगे कंट्रोल नहीं है एक्टिविटीज पे, ऐसा नहीं होना चाहिए. इसमें मैं बताता हूं आपको क्या कहता है. एप्लीकेशन सिस्टम कंट्रोल एंड मेंटेनेंस कंट्रोल कहता है इस तरह से डिजाइन करो, इस तरह से डिजाइन करो कि टेस्टिंग प्रॉपर हो पाए, कन्वर्जन हो पाए. कन्वर्जन का मतलब है एक एक्टिविटी को मैनुअल से अगर हम कंप्यूटर में शिफ्ट कर रहे हैं तो उसकी कन्वर्जन पॉसिबल हो, फ्लेक्सिबल सिस्टम हो हमारे. इंप्लीमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन, न्यू एंड रिवाइज सिस्टम में भी एंटर हो सके. चेंजेस टू एप्लीकेशन सिस्टम उसके ऊपर भी उसको मेंटेन करो. असेस टू सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से डॉक्यूमेंट्स को असेस करना है, इसके ऊपर एप्लीकेशन सिस्टम कंट्रोल होना चाहिए, मेंटेनेंस कंट्रोल होना चाहिए. एक्विजिशन ऑफ सिस्टम फ्रॉम थर्ड पार्टी कि अगर आप किसी थर्ड पार्टी से खरीद रहे हो तो उसमें चेक करो कि सर्विस एग्रीमेंट प्रॉपर है या नहीं है. ठीक है ना, सर्विस एग्रीमेंट उस पार्टी के साथ होना चाहिए. किस तरह की सर्विस वो प्रोवाइड करता है मार्केट से, एक बार जरा व्यू लो उसके बारे में. ठीक है ना, मतलब उसकी एक तरह से गुडविल होगी वो चेक कर लो. ठीक है ना, और कितने इयर्स ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस, कितने साल तक वो सर्विस आपको प्रोवाइड करता रहेगा. ठीक है, वो सारा का सारा आपका प्रॉपर एग्रीमेंट होना चाहिए अगर आप थर्ड पार्टी से एक्वायर कर रहे हो अपना सिस्टम. नेक्स्ट आ जाता कंप्यूटर ऑपरेशनल कंट्रोल. कंप्यूटर ऑपरेशनल कंट्रोल मैंने यहां पे ये वाला स्टेप, यहां मैंने पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर लिख दिया. सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल मतलब जो आप विंडोज, लाइनक्स, विंडो 10, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, ठीक है ना, लाइनक्स कौन से सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो वो कंट्रोल की बात कर रहा है. ठीक है ना, इसके बारे में. और ऑपरेशन कंट्रोल का मतलब है कि जो आपके ऑपरेशन है ऑथराइज होने चाहिए. पहली बात है प्रोग्राम भी ऑथराइज हो, ठीक है ना, मतलब पायरेटेड नहीं होना चाहिए, ऑथराइज होना चाहिए, लीगल विंडो हो वो सारा का सारा. ठीक है ना, ऑथराइज पर्सन ही उसे एक्सेस कर पाए. नीचे बताया ना डाटा एंट्री कंट्रोल, ऑथराइजेशन एंड रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, हर बंदा उसे एक्सेस ना कर पाए, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होने चाहिए. जैसे मैं यहां पे आपको क्लियर कर देता हूं, पहले दो पॉइंट मैंने अभी बताया कंट्रोल से रिलेटेड. एक बताया मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, एक बताया मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट कंट्रोल. सेकेंड मैंने बताया आपको एप्लीकेशन सिस्टम एंड मेंटेनेंस कंट्रोल. थर्ड वन इज अ कंप्यूटर ऑपरेशन कि कंप्यूटर के अंदर जो आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो वो इस तरह से कंट्रोल, इस तरह से डिजाइन करे जाए ताकि हर बंदा उसे ना कर पाए. आपको रीजनेबल एश्योरेंस मिले कि ऑथराइज बंदा ही उसे एसेस कर सकता है, ऑथराइज पर्सन ही एसेस कर सकता है उसे. सेकेंड वन इज रिस्ट्रिक्टेड टू ऑथराइज पर्सन ओनली, रिस्ट्रिक्टेड टू ऑथराइज, कंप्यूटर कोई और आपका असेस ना कर पाए उसके ऑपरेशन को. ओनली ऑथराइज प्रोग्राम ही होने चाहिए उसके अंदर, प्रोसेसिंग एरर डिटेक्ट भी हो और उसको करेक्ट करने की भी सिस्टम के अंदर होना चाहिए. सिस्टम के अंदर इस तरह का सॉफ्टवेयर हो आपका, कंट्रोलिंग सॉफ्टवेयर हो कि कंप्यूटर के अंदर कभी कोई एरर आता है तो उसको प्रिवेंट भी करे और उसको करेक्ट भी करे. नेक्स्ट आता है सिस्टम कंट्रोल, सॉफ्टवेयर सिस्टम कंट्रोल. इसमें बात करता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर क्या आएगा, ऑथराइजेशन, कि सॉफ्टवेयर की ऑथराइजेशन होनी चाहिए, लीगल होना चाहिए, ऑथराइज होना चाहिए. अप्रूवल एंड टेस्टिंग, इंप्लीमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए हमारे पास सिस्टम के. इसका जो असेस है रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए एंड डॉक्यूमेंटेशन टू ऑथराइज पर्सनल, और सारे इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ऑथराइज पर्सनल के पास होने चाहिए. सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल में मैंने बताया ऑथराइज पर्सन ही असेस कर पाए, प्रॉपर अप्रूवल हो, प्रॉपर टेस्टिंग हो, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन हो नए सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर. डाटा एंट्री एंड प्रोग्राम, डाटा जो बंदा एंटर कर रहा है वो डाटा एंट्री एंड प्रोग्राम कंट्रोल आर डिजाइन टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस सिस्टम के अंदर इस तरह से प्रोग्राम में कंट्रोल हो कि वो आपको एक रीजनेबल एश्योरेंस दे कि कोई ऑथराइज बंदा नहीं असेस कर पाएगा ओवर ट्रांजेक्शन बींग एंटर टू द सिस्टम, कोई भी बंदा असेस नहीं कर पाएगा, मतलब ऑथराइज पर्सनल विल ओनली असेस द सिस्टम. आगे आता रिकवर, उसके बाद बात करते हैं असेस टू डाटा प्रोग्राम इज रिस्ट्रिक्टेड बाय ऑथराइज पर्सनल, ओनली ऑथराइज पर्सनल विल असेस द डाटा एंड प्रोग्राम्स. ऑफसाइट बैकअप होना चाहिए, कभी कई कल को आप जो सिस्टम में रिकॉर्ड कर रहे हो कल को कोई ऐसा हार्ड डिस्क आपकी क्रैश हो जाती है जिसमें डाटा स्टोर हो रहा है या स्टोरेज स्पेस आपकी एरर या वायरस आ जाता है तो आपके पास प्रॉपर उस डाटा का बैकअप होना चाहिए.
रिकवरी प्रोसीजर, थेफ्ट, लॉस, इंटरनेशनल और एक्सीडेंटल डिस्ट्रक्शन अगर कुछ होता है तो उसका रिकवरी प्रोसीजर भी। अगर कल को कोई डिजास्टर होता है, इन द इवेंट ऑफ डिजास्टर, तो आपके पास ऑफ साइट प्रोसेसिंग हो, अगर मान लो आपका सिस्टम बिल्कुल ही डाउन हो गया और नहीं चल रहा बिल्कुल भी, तो उसका कोई ऑल्टरनेटिव आपके पास होना चाहिए, ऑफ साइट प्रोसेसिंग होनी चाहिए, उसका प्रोविजन आपके पास होना चाहिए। ये सर्विस आपको आपका वेंडर ही प्रोवाइड करेगा जिसके थ्रू आपने सॉफ्टवेयर लिया। पीछे हम बात कर रहे थे कि आपने वो सॉफ्टवेयर कहां से लिया, सिस्टम कहां से लिया, जिस थर्ड पार्टी से लिया वही आपको ऑफ साइट प्रोसेसिंग प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। कितने टाइम के लिए करेगा, कैसे करेगा, वो पहले ही आपको बात करनी पड़ेगी इसके रिगार्डिंग। ये पांच तरह के कंट्रोल की मैंने बात करी है आपसे, ये जनरल कंट्रोल है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनल आपको मिलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट कंट्रोल, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, इनकम्पैटिबल फंक्शन अलग, पॉलिसी प्रोसीजर कंट्रोलिंग के रिगार्डिंग देख के बना रहे हैं, सिस्टम को डेवलप करना, मेंटेन करना ताकि कोई हार्म ना हो उसके अंदर, सॉफ्टवेयर प्रॉपर होना चाहिए, कौन सी विंडोज, लाइनक्स, आप ऐसी चीजें डाल सकते हो उसके अंदर कि सॉफ्टवेयर थर्ड पार्टी से अगर बनवा रहे हो, ठीक है ना। एक तो होता है प्री पैक्ड सॉफ्टवेयर मार्केट से मिल जाता है, आपने ले लिया और अपने में इंस्टॉल कर दिया सिस्टम के अंदर। एक है आपने अपनी यूनिट एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग प्रोग्राम आपने किया, कि आपने क्या किया, एक ऑर्गेनाइजेशन की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर है कि आपके पास एक डिपार्टमेंट बना दिया आपने, वहां सॉफ्टवेयर डेवलप होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, मतलब तो एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर डेवलप भी करा सकते हो। एक तो होता है प्री पैक्ड मतलब जो आप मार्केट से बना बनाया सॉफ्टवेयर लेंगे अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और इंप्लीमेंट कर दोगे। एक है कि आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करा सकते हो। ऑपरेशन कंट्रोल ऑथोराइज प्रोग्राम सी आप होने चाहिए उसके अंदर, ऑथोराइज पर्सनली असेस कर पाए, अपडेटेड हो सारा कुछ। उसके बाद लास्ट मैंने बताया आपको डाटा जो एंटर करा जा रहा है वो ऑथोराइजेशन हो जो बंदा एंटर कर रहा है, एंड रिस्ट्रिक्टेड असेस हो डाटा की, हर बंदा असेस ना कर पाए। नेक्स्ट आता है सीआईएस एनवायरमेंट, दैट इज एप्लीकेशन कंट्रोल। सीआईएस एनवायरमेंट के अंदर हमने दो तरह के कंट्रोल की बात कर रहे हैं, इंटरनल कंट्रोल, एक आता है जर्नल कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल, सेकंड आता है कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशन कंट्रोल। एप्लीकेशन सिंपल से तीन बातें, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। कंट्रोल कहां रखना है आपने, कंट्रोल ऑन इनपुट, कंट्रोल ऑन आउटपुट, कंट्रोल ऑन प्रोसेसिंग। इसमें आप ये लिख सकते हो जी, ठीक है, देखिए एप्लीकेशन कंट्रोल के अंदर तीन पॉइंट्स हैं, इनपुट कंट्रोल, प्रोसेसिंग कंट्रोल, आउटपुट कंट्रोल। इनपुट में हम बात करेंगे ऑथराइज ट्रांजेक्शन होगा खाली, इनपुट के अंदर ऑथराइज्ड ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, जो ऑथराइज्ड ट्रांजेक्शन है वही इनपुट के अंदर एंटर होगी। जब डाटा एंटर कर रहे हो, इनपुट कमांड दे रहे हो कुछ, तो ऑथराइज्ड ट्रांजेक्शन ही वो उठाए सिस्टम आपका। रिस्ट्रिक्टेड असेस, तो हर बंदा ना उसको असेस कर पाए। ऑथराइज्ड प्रोग्राम होने चाहिए, तीन बातें लिखनी बड़ी जरूरी है जब भी कोई डाटा इनपुट कर रहे हो सिस्टम के अंदर, ऑथराइज्ड ट्रांजेक्शन, रिस्ट्रिक्टेड एसेस एंड ऑथराइज्ड प्रोग्राम्स होने चाहिए। प्रोसेसिंग में आपने चेक करना है कोई एरर तो नहीं है, उसकी डिटेक्शन होनी चाहिए, उसको प्रिवेंट करो और उसको साथ में करेक्ट करो। प्रोसेसिंग के टाइम पे आप एरर डिटेक्ट करोगे, ये एरर तो नहीं है कोई, अगर एरर डिटेक्ट हो गया तो उसको करेक्ट करो, आगे से प्रिवेंट करोगे तो कभी हो भी ना आगे। आउटपुट जो है वो टाइमली मिलनी चाहिए, आउटपुट टाइमली असेस ऑफ एप्लीकेशन, टाइमली असेस ऑफ सिस्टम, टाइमली असेस होना चाहिए सारा का सारा, ठीक है ना। टाइम निकलने के बाद उसका इंपॉर्टेंस कम हो जाएगा। रेस्ट्रिक्टेड असेस का मतलब है हर बंदा असेस ना कर पाए ये आपका एप्लीकेशन सिस्टम, आपका कंट्रोल सिस्टम। रेस्ट्रिक्टेड असेस मैं बार बार बोल रहा हूं, ऑथराइजेशन, ऑथराइज ट्रांजेक्शन हो, रेस्ट्रिक्टेड असेस हो, ऑथराइज प्रोग्राम हो, और रेस्ट्रिक्ट, ठीक है ना, एरर डिटेक्शन, टाइमली एंड रिस्ट्रिक्टेड असेस, हर बंदा असेस ना कर पाए, रिस्ट्रिक्शन लगी होनी चाहिए। यूजर आईडी, पासवर्ड, किसी तरह से भी आप रिस्ट्रिक्ट करो कि हर बंदा असेस ना कर पाए, ऑथराइज पर्सोनल ही असेस करें बस खाली। उसके बाद मैं आपको एक बार यहां से भी चेक करा देता हूं कि हमने ये एप्लीकेशन कंट्रोल पढ़े हैं। एप्लीकेशन कंट्रोल इसीलिए रखा जाता है कि ताकि सारी ट्रांजेक्शन ऑथराइज ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो और प्रोसेस हो कंप्लीटली एक्यूरेटली एंड टाइमली बेसिस, कि सारी ट्रांजेक्शन आपकी प्रॉपरली रिकॉर्ड हो और असेस ऑन अ टाइमली बेसिस बाय द ऑथोराइज पर्सनल ओनली। उसके बाद आता है पॉइंट मेरा, ये मैंने आपको इनपुट के बारे में बता दिया कि ऑथोराइज प्रॉपरली ऑथोराइज होना चाहिए इनपुट प्रोसेस करने से पहले, एक्यूरेट इनटू रीडेबल फॉर्म,
और ट्रांजेक्शन एड नॉट लॉस्ट एडेड डुप्लीकेट नहीं होना, इम्प्रॉपरली चेंज नहीं करना, टाइमली बेसिस पे प्रोवाइड हो इन्फॉर्मेशन, इनपुट जो है ऑथराइज्ड हो, डुप्लीकेट ना हो, ऐसा ना हो आपने एक ट्रांजेक्शन एंटर करके वो दो तीन बार एंटर हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए इनपुट के अंदर, डुप्लीकेशन नहीं. कंट्रोल ओवर प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर डाटा फाइल, आप अपने सिस्टम को कंट्रोल करोगे, फाइल्स इस तरह से डिजाइन करोगे आपको रीजनेबल एश्योरेंस दे कि जो ट्रांजेक्शन है उसके अंदर सिस्टम जनरेटेड ट्रांजेक्शन आप प्रॉपरली प्रोसेस बाय द कंप्यूटर. कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन होती है जो अपने आप ही सिस्टम जनरेट कर रहे हैं, उसको प्रॉपरली प्रोसेस करो. ट्रांजेक्शन वही सेम बात, नॉट लॉस्ट नॉट एडेड, जो आप एंटर कर रहे हो ऐसा ना हो लॉस्ट हो जाए, ठीक है ना. एड जो कर रहे हो वो होना चाहिए, ट्रांजेक्शन आर एडेड, आप जो कर रहे हो एडेड, डुप्लीकेटेड और इम्प्रॉपरली चेंज नहीं होना चाहिए. प्रोसेसिंग आर आइडेंटिफाइड ऑन अ टाइमली बेसिस, एंड लास्ट आउटपुट जो रिजल्ट आपको मिल रहा है वो एक्यूरेट होना चाहिए, एक्यूरेट टाइमली ऑथराइज, लिखता रहा रीजनेबल एश्योरेंस रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग आर एक्यूरेट, एक्सेस टू आउटपुट इज रिस्ट्रिक्टेड टू ऑथराइज पर्सनल ओनली. बार बार एक ही बात आ रही है कि ऑथराइज पर्सनल ही असेस कर पाए, इस तरह के कंट्रोल होने चाहिए हमारे आउटपुट में भी इनपुट में भी. आउटपुट इज प्रोवाइडेड टू अप्रोप्रिएट ऑथराइज पर्सन ऑन अ टाइमली बेसिस, कहते जो आउटपुट है वो ऑथराइज पर्सनल को ही असेस कर पाए टाइमली बेसिस. तीन तरह के कंट्रोल हमने एप्लीकेशन कंट्रोल में करे, इनपुट आउट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट. उसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूं तो एक ये मैंने आपको दे दिया था कंप्यूटर एडेड ऑडिट टेक्निक, ये हो चुका है हमारा टॉपिक, ठीक है. मैंने आपको बता दिया था इसके अंदर क्या है, अराउंड द कंप्यूटर भी हमारा हो चुका है, ऑडिट रिस्क भी कवर कर चुके हैं, हो चुका है हमारा इनहेरेंट और कंट्रोल एंड डिटेक्शन रिस्क. हाँ, ये क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट डिजाइन एंड प्रोसीजर रिस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर. ये बेसिकली ना मैंने आपको पढ़ाया था मैनुअल में और सीएस एनवायरमेंट में. सीएस एनवायरमेंट को हम क्या बोलते हैं, ईडीपी, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग. इन दोनों के अंदर क्या फर्क है, क्या डिफरेंसेस हैं, किसके क्या फीचर्स हैं, इसके क्या बेसिकली ना दोनों में डिफरेंस बताए गए हैं, डिफरेंट दीज डिफरेंट डिजाइन एंड प्रोसीजर में. तो ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी हैंड रिटन में, मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूं. ये देखिए मैनुअल और कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर हमने ये पढ़ लिया था बेसिकली कि मैनुअल सिस्टम के अंदर क्या होता है और सीआईएस एनवायरमेंट में क्या होता है, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है जी. तो आप एक बार उसको गो थ्रू कर लेना या आप एक बार इसको रीड कर लेना. सीआईएस जो टॉपिक है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये बहुत सिंपल पॉइंट है, आप एक बार रीड कर लेना. उसके बाद आता है हमारा टॉपिक ऑडिट ट्रेल, ऑडिट ट्रेल, ऑडिट ट्रेल हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसका. ऑडिट ट्रेल, ट्रेल का मतलब होता है पीछा करना, फॉलो करना, ठीक है, ट्रेल का मतलब यह है. अब ऑडिट ट्रेल हम यहीं से कवर करते हैं इसको, मैं आपको बताता हूं इसका मीनिंग क्या है, उसके बाद एक लास्ट बात है. चलो ऑडिट ट्रेल मैं आपको एक मिनट बताता हूं. पहले ना यहां जो हम कंट्रोल की बात कर रहे थे, एक स्किट आप ये देख लीजिए पहले, कि जो मैंने अभी आपको बताया इंटरनल कंट्रोल इन सीआईएस एनवायरमेंट दो तरह के हैं. एक कंट्रोल है जनरल कंप्यूटर इंफॉर्मेशन, एक एप्लीकेशन है, वो हमने पढ़ लिया. उसके बाद होता है अगर मैनुअल सिस्टम में अगर हम कंट्रोल की बात करें तो क्या होगा मैनुअल सिस्टम में कंट्रोल, ठीक है ना. जनरल वैसी हम बात कर रहे हैं कि मैनुअल सिस्टम के अंदर अगर हम कंट्रोल की बात करें तो मैनुअल सिस्टम में किस तरह के कंट्रोल होंगे. मैनुअल सिस्टम के अंदर पहला अपडेटेड अकाउंटिंग एस्पेक्ट होना चाहिए, स्टाफ के रिकॉर्ड अपडेटेड हो. एक कंट्रोल रख सकते हो कि स्टाफ का हर वीकली फोर्टनाइटली आप रिकॉर्ड चेक करो कि अपडेटेड है या नहीं है, इस तरह कंट्रोल. ट्रांजेक्शन जो हो रही है वो ऑथराइज पर्सनल के लिए हर वाउचर पे साइन होने चाहिए, मतलब हर मतलब जो ट्रांजेक्शन है वो ऑथराइज पर्सनल के थ्रू होने चाहिए. अपडेटिंग ऑफ डाटा, ठीक
ठीक है ना, यहाँ पर अकाउंटिंग अपडेटेड, डाटा भी सारा अपडेट हो आपके पास अवेलेबल हो। जैसे कोई मान लो आपने सेल करी है, परचेज करी, जिस तरह के फॉर्म रिलेवेंट रिक्वायर्ड है, फॉर्म सी चाहिए आपको सेल टैक्स के लिए, ठीक है ना, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए ट्रांजेक्शन हो रही है, तो हर तरह की रिक्वायरमेंट आपकी पूरी अपडेटेड होना चाहिए। कंट्रोल ओवर अकाउंटिंग स्टाफ, जो स्टाफ ट्रांजेक्शन कर रहा है उनके ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है ना। ये कुछ जर्नल से कंट्रोल है, मैनुअल एनवायरमेंट वी हैव सच टाइप ऑफ कंट्रोल, जर्नल मैनुअल कंट्रोल ही हमारे पास होते हैं जो हम मैनुअल सिस्टम में देखते हैं, ठीक है ना। ये हमारे तीनों टॉपिक पेजेस हो चुके हैं, ठीक है। लास्ट टॉपिक, सेकेंड लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का मेरा रहता है, एक है ऑडिट ट्रेल, एक नेक्स्ट है कारो कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर 2016। मैं आपको ऑडिट ट्रेल बताता हूं और थोड़ा सा हम कारो के बारे में डिस्कस करते हैं। ऑडिट ट्रेल क्या है, इसके अंदर आपकी ना वो टेक्निक भी आ जाएगी, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर कंप्यूटर ऑडिट असिस्टेड टेक्निक, ठीक है, ये आपकी टेक्निक भी आ जाएगी। देखते ऑडिट ट्रेल बेसिकली क्या होता है, कहते हैं ऑडिट ट्रेल रेफर्स टू सिचुएशन वेयर इट इज पॉसिबल टू रिलेट वन टू वन ट्रांजेक्शन। ऐसा है मैनुअल सिस्टम के अंदर तो जो भी आप हाथ से कर रहे हो ट्रांजेक्शन, जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ट्रांजेक्शन किस तरह से कर रहे हो मैं आपको बताता हूं। जैसे मैनुअल सिस्टम के अंदर पहले क्या करोगे आप, ट्रांजेक्शन होगी, वाउचर होगा, सब्सिडी बुक होगी, लेजर होगा, ट्रायल बैलेंस होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो कुछ भी आपको चेक करना होगा चेक कर लो, वन टू वन बेसिस पे ट्रांजेक्शन चेक हो रही है, वन टू वन बेसिस पे ट्रांजेक्शन आपकी चेक हो रही है। पहले आपने ट्रांजेक्शन एंटर करी, फिर उसका वाउचर क्रिएट हुआ, वाउचर के बाद सब्सिडी बुक्स में उसकी एंट्री हुई, फिर लेजर प्रिपेयर हुआ, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन सब चीजों को आप करेक्ट रिकॉर्डिंग हुई या नहीं हुई वन टू वन बेसिस पे आप असेस कर सकते हो। बट इन दिस इज पॉसिबल ओनली इन मैनुअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, दिस इज पॉसिबल ओनली इन मैनुअल सिस्टम, बट इन केस ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम अकाउंटिंग, यहां पे आपका ऑडिट ट्रेल मिसिंग है, ऑडिट ट्रेल इज मिसिंग, बताता हूं। इन अ मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम इट इज पॉसिबल टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन ऑफ ईच सक्सेसिव स्टेज, एनेबलिंग एन ऑडिटर to locate, identify all documents from beginning to end, identify all documents from beginning to end, audit trail मतलब आपको check कर दिया transaction one to one basis, मतलब एक transaction उसका effect और उसका effect अगला effect सारे उसके effect check करने हैं आपने beginning से लेकर end तक, ठीक है ना। input जो आपने डाला उसका final output क्या है वो सारा beginning to end check करना है। In a manual accounting system it is possible to relate the recording of transaction, मैनुअल सिस्टम में हम खुद सक्सेसिव स्टेजेस पर रिकॉर्डिंग करते रहते हैं, तो उसमें ये ऑडिटर को लोकेट करना, आइडेंटिफाई करना बहुत सिंपल है, बट टोटल चेक करना, क्रॉस रेफरेंस, बट कंप्यूटर सिस्टम में भी इन फर्स्ट एंड अर्ली सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर अ कंप्लीट ऑडिट ट्रायल वॉज जनरली अवेलेबल, बट स्टार्टिंग में जो कंप्यूटर सिस्टम आया तब भी अवेलेबल था, बट आज का एडवांसमेंट मॉडर्नाइजेशन के केस में इतनी अपडेशन हो गई है, एक्सेप्शनल रिपोर्टिंग आपको कंप्यूटर प्रोवाइड करता है सिस्टम, एक्सेप्शनल रिपोर्टिंग, मैनेजमेंट को हर तरह की रिपोर्ट मैनेजमेंट को मिल जाती है सिस्टम से, एक्सेप्शनल रिपोर्टिंग। पढ़ा होगा आपने डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, आजकल रिकॉर्डिंग मतलब जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा सिस्टम बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, जो मैनुअली पॉसिबल नहीं थी। विद द एडवांसमेंट ऑफ सिस्टम सीआईएस एनवायरमेंट हैज बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, complex in what context, complex in context of checking the records, because input to enter kar rahe ho uska kahan kahan kya kya effect pad raha hai, uska carry forward kahan ho raha hai, uski plus minus kahan ho rahi hai, calculations interest ki, discount ki, agar koi transaction ka online transaction dal deta to wo kaise pata lega uska input kya hai output kya hai, wo clear karna bada mushkil ho jayega। This lead to the use of exceptional reporting by the management, eliminating audit trail input and output, एलिमिनेट हो गया सिस्टम आपका, आपका ऑडिट ट्रेल इज एलिमिनेटिंग इन केस ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम, बट वी हैव ऑडिट ट्रेल इन मैनुअल सिस्टम, बिकॉज ईच सक्सेसिव यूनिट्स, ईच सक्सेसिव इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द सिस्टम मैनुअली। द लैक ऑफ विजिबल एविडेंस में अकर एट डिफरेंट स्टेज, लैक ऑफ विजिबल एविडेंस में अकर एट डिफरेंट स्टेज इन द अकाउंटिंग प्रोसेस, फॉर एग्जाम्पल इनपुट डॉक्यूमेंट्स मे बी नॉन एग्जिस्टेंट, इनपुट डॉक्यूमेंट्स में भी नॉन एग्जिस्टेंट,
जैसे सेल ऑर्डर आपने ऑनलाइन डाल दिया, डिस्काउंट इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कंप्यूटर अपने आप ही उठा रहा है, उसको ऑथराइज करा हुआ, कोई विजुअल नहीं है आपके पास ऑथराइजेशन, इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन कंप्यूटर अपने आप जनरेट कर रहा है। कई बार ऐसा होता है ना, पीछे से सिस्टम बैक एंड से सिस्टम में इस तरह से हमने कंट्रोल लगाए होते हैं, वो अपने आप ही कैलकुलेशन उठा रहा है, अपने आप ही एरर दिखा रहा है, अपने आप ही सब कुछ कर रहा है। तो उस सिचुएशन में ऑडिटर क्या चेक करेगा? ऑडिट को बिगिनिंग टू एंड ट्रांजेक्शन ऑर्डर को अगर नहीं मिलेगी तो उसके लिए तो कॉम्प्लेक्स है। सिस्टम में नॉट प्रोड्यूस अ विजिबल ऑडिटर। इन एडिशन प्रोग्राम कंट्रोल प्रोसीजर सच एज चेकिंग कस्टमर क्रेडिट कार्ड लिमिट, क्रेडिट लिमिट कस्टमर, विजिबल एविडेंस ओनली ऑन एन एक्सेप्शनल बेसिस, वी हैव नो विजिबल एविडेंस। आउटपुट रिपोर्ट में नॉट बी प्रोड्यूस, प्रिंटेड ओनली। नेक्स्ट खत्म करते हैं इसे। लास्ट बात कह रहा है, इसके लिए आपको एक स्पेशल ऑडिट टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक। कंप्यूटर इसीलिए देखो ना, ऑडिट ट्रेल आपका मिसिंग है, इसीलिए ऑडिटर नीड्स है एश्योरेंस कि वो जो चीजें चेक कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है या नहीं है। उसको भी तो आगे रिपोर्टिंग करनी है, उसको इस सिस्टम की इस टेक्निक का यूज करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपको जो चीजें मिसिंग थी वो विजुअल हो जाए। कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक एक टेक्निक है यूज बाय द ऑडिटर व्हाइल कंडक्टिंग एन ऑडिट इन अ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम एनवायरमेंट। ये टेक्निक है जो एज अ टूल, एज अ टूल फॉर द ऑडिटर टू चेक द अकाउंट्स। द ऑडिटर कैन यूज द कंप्यूटर टू टेस्ट द लॉजिक एंड कंट्रोल। आपको सारा कुछ चेक करना पड़ेगा, लॉजिक एंड कंट्रोल एग्जिस्ट करता है विद इन द सिस्टम या नहीं। डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिस्टम द अप्रोच में बी फेयरली सिंपल एंड एक्सटेंसिवली टेक्निकल, बिकॉज ऑडिटर को इस टेक्निक की नॉलेज होगी तभी तो ऑडिटर इसका बेस्ट यूज कर पाएगा। ऑडिटर को टेक्निकल नॉलेज इसके रिगार्डिंग भी होनी चाहिए, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक के रिगार्डिंग। ऑन द पार्ट ऑफ द ऑडिटर द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑडिटिंग प्रोसीजर मे बी एनहांस्ड। आपका सिस्टम भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा, एनहांस हो जाएगा थ्रू द यूज ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक। दो तरह की कॉमन टाइप्स है इसके अंदर, एक है टेस्ट चेक दैट इज द डाटा एंड ऑडिटर ऑडिट सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर चेक करना। टेस्ट डाटा, टेस्ट डाटा के अंदर ऑडिटर क्या करेगा, टेस्ट डाटा के अंदर क्या करेगा ऑडिटर, आप क्या करोगे, आप एक ना डमी मतलब एक डाटा अपनी तरफ से एंटर कर लोगे, एंट्री डेवलप करके ना एंटर कर दोगे सिस्टम के अंदर। एक डाटा एंट्री सिस्टम के अंदर आपने क्या कर दिया, एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद क्या करोगे आप चेक करोगे कि जो सिस्टम है आपका, सिस्टम का जो रिजल्ट है, आपका जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था उससे मैच करता है नहीं करता। इस तरह का टेस्ट करा जाएगा डाटा के ऊपर, मतलब ऑडिटर अपनी तरफ से एक डमी एंट्री डेवलप करेगा और सिस्टम में डाल देगा, उसका बिगिनिंग टू एंड उसका चेक कर लेगा ये टेक्निक, मतलब कितना इफेक्टिव है ये सिस्टम आपका कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक। इसमें टेस्ट ऑफ डाटा में डाटा एक एंटर कर दिया, उसका एंट्री का इफेक्ट देख लिया, चेक कर लिया सिस्टम का रिजल्ट फाइनल क्या आता है और उसको एक्सपेक्टेड रिजल्ट से कंपेयर कर लिया, मैच कर दिया कि वो ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है सिस्टम आपका। ठीक है, ये हमारा था ऑडिट ट्रेल, जिसमें हमने सीखा कि ऑडिट ट्रेल बेसिकली वन टू वन इनपुट टू आउटपुट ट्रांजेक्शन चेक करना, उनका कोरिलेशन चेक करना, बिगिनिंग टू एंड सारी ट्रांजेक्शन। मैनुअल सिस्टम में इट इज पॉसिबल बिकॉज द इंडिविजुअल ऑथराइजेशन इज पॉसिबल बिकॉज विजुअल विजुअल था ऑडिट ट्रेल, बट इन केस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम वी हैव नो विजुअल विजुअल ऑडिट ट्रेल सिस्टम। इसीलिए ऑडिटर को ये टेक्निक का यूज करना पड़ा और उस टेक्निक के विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक ऑडिटर टेस्ट कर सकता है डाटा को, टेस्ट कर सकता है सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम्स को, टेस्ट कर सकता है। मैं आपको बता दूं कि हमारा जो इस चैप्टर के अंदर हमने सारा कुछ कर लिया और ये चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका यार, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है ना, इसके हर चीज आपको क्लियर होने के 12 नंबर तक जाता है ये चैप्टर बेसिकली।
ये हमने टॉपिक कर लिया, ये हम कर चुके हैं। कारों मैंने नहीं बताया आपको, थोड़ा सा मैं आपको कारों के बारे में बता देता हूं, ठीक है ना। ये हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट देखिए, इसमें तो है नहीं मेरे नोट्स पे, कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर। बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ये एक लेटेस्ट रिपोर्ट है जो हम पढ़ रहे हैं 2015, इससे पहले 2015 आई, उससे पहले 2003 थी कारो रिपोर्ट, ठीक है ना। कंपनी ऑडिटर, कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर, ये एक एडिशनल रिपोर्टिंग है बेसिकली। ये क्या है? एक एडिशनल रिपोर्टिंग है। आपको अपनी नॉर्मल रिपोर्टिंग तो करनी करनी है, जो ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट तो देगा ही देगा। कंपनी ऑडिटर मतलब ये स्टेचुटरी ऑडिटर की बात हो रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है ऑडिटर को कि आप हमें, हमने एक ऑर्डर इश्यू किया है एज पर सेक्शन 143 में, एज पर सेक्शन 143 में एक ऑर्डर, मतलब ये जो सेक्शन है 143, ये बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है एक ऑर्डर इश्यू करने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इश्यू करा है ऑडिटर को कि हमें कुछ मैटर्स है उनके ऊपर आप रिपोर्टिंग करके दो। कंपनी ऑडिटर इज अंडर एन ऑब्लिगेशन, इट इज द ड्यूटी ऑफ द कंपनी ऑडिटर टू रिपोर्ट such aspects which are covered in the report order, order. जो order के अंदर aspects cover है उन सब पे company auditor को report करना पड़ेगा, ठीक है ना। central government company auditor से additional reporting और चाहती है, इन points के ऊपर हमें reporting करके दो। ये एक additional reporting है, वो reporting जो करे जा करते हो आप वो तो करनी ही करनी है। ये apart from that एक additional reporting है जो company के auditor को additional reporting करके देना पड़ेगा, ठीक है ना, अपनी report के साथ। इस रिपोर्टिंग के अंदर क्या क्या आएगा, क्या है वो सारा हम पढ़ते हैं। देखिए क्या मैटर्स आएंगे। पहला पॉइंट आता है कि किनके ऊपर एप्लीकेबल है, इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, इस रिपोर्टिंग की एप्लीकेबिलिटी क्या है, क्या था, व्हाट टाइप्स ऑफ कंपनी आर स्पेसिफिकली एग्जम्प्टेड। मतलब आप मान के चलो सारी कंपनियों पर लिखता 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 है ना, कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर 2016 अप्लाई टू ऑल कंपनीज, अप्लाई टू ऑल कंपनीज, कहता हर तरह की कंपनी के ऊपर ये एप्लीकेबल है। आप थोड़ा सुन लो, समझ लो है क्या चीज, ये बहुत सिंपल है, कुछ मतलब ज्यादा टेक्निकल नहीं है, बट इंपॉर्टेंट बहुत, मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है, ठीक है। आप अभी स्क्रीन पे देख के समझो जरा प्लीज, है क्या कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर 2016 अप्लाई टू ऑल कंपनी, कहता सारी तरह की कंपनी का एप्लीकेबल है, मतलब सारी तरह की कंपनी, मतलब बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, हर तरह की कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है, छोटी बड़ी हर तरह की कंपनी, इंक्लूडिंग अ फॉरेन कंपनी ऑल्सो एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 242 सबसेक्शन 40। धीरे धीरे नीचे आके उसने कुछ कंपनियों को हटा दिया कि इन कंपनियों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, इन कंपनियों की रिपोर्टिंग ऑलरेडी वैसी बहुत ज्यादा होती है। अगर आप बैंकिंग की बात करो तो बैंकिंग कंपनी को इतना कुछ रिपोर्ट करना पड़ता है, आप तो बैंकिंग कंपनी की रिपोर्ट देखो, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, मतलब ये भी एक फॉर्म है जो बैंकिंग कंपनी को रिपोर्टिंग करते वक्त लगाना पड़ता है ऑडिटर को, ठीक है ना। ऑडिट रिपोर्ट अलग से जाती है उनकी, बाकी सारे रिपोर्ट अलग से प्रिपेयर होते हैं, तो उनको एग्जाम्प्ट कर दिया इन्होंने कि जिन जो ऑलरेडी हमें बहुत सारी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हर एस्पेक्ट कवर है उनका, उनको हटा दिया। पहला बैंकिंग कंपनी को मना कर दिया कि आपको रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं,
बैंकिंग कंपनी को एग्जम्प्ट कर दिया, कारो बैंकिंग कंपनी में नहीं लगेगा, इंश्योरेंस कंपनी में भी नहीं लगेगा कारो, इंश्योरेंस कंपनी में भी कारो एप्लीकेबल नहीं है। कंपनी जिनको लाइसेंस मिला हुआ है सेक्शन 8 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, जो नॉन प्रॉफिट कंपनीज है आपकी, नॉन प्रॉफिट कंपनीज है, उनको भी एप्लीकेबल नहीं है। 1% कंपनी को भी एप्लीकेबल नहीं है, स्मॉल कंपनी को भी एप्लीकेबल नहीं है, 1% कंपनी को नहीं लगेगा, एंड मोर ओवर स्मॉल कंपनी को भी नहीं एप्लीकेबल कारो रिपोर्ट। प्राइवेट कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है अगर वो ये कंडीशन है, अगर वो सेटिस्फाई करती है, प्राइवेट कंपनी को कारो नहीं लगेगा अगर वो ये कंडीशन सारी की सारी सेटिस्फाई करती है। शुड नॉट बी अ सब्सिडियरी और होल्डिंग कंपनी ऑफ एनी पब्लिक कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडियरी या होल्डिंग है तो उसे लगेगा, अगर नहीं है, नहीं होनी चाहिए, मना कर रहा है वो। प्राइवेट कंपनी इज नॉट अ कंपनी ऑफ, नॉट शुड नॉट बी अ सब्सिडियरी और अ होल्डिंग कंपनी ऑफ एनी पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी की पेड अप कैपिटल एंड रिजर्वेड सरप्लस 1 करोड़ से कम या 1 करोड़ होने चाहिए। एज ऑन द बैलेंस शीट डेट 31 मार्च को आप चेक करोगे ये चीज, ठीक है। बॉरोइंग प्राइवेट कंपनी की फ्रॉम एनी बैंक और इंस्टीट्यूशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, साल में किसी भी दिन फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ से कम होने चाहिए। प्राइवेट कंपनी का रेवेन्यू जो भी डिस्क्लोज करा गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग में 10 करोड़ या 10 करोड़ से कम होना चाहिए। अगर ये 4 कंडीशन कंपनी सेटिस्फाई करती है प्राइवेट कंपनी, तो उनके ऊपर कारो नहीं एप्लीकेबल, अदरवाइज कारो एप्लीकेबल है। कारो 2016 रिपोर्ट शैल नॉट अप्लाई टू ऑडिटर रिपोर्ट ऑन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कारो 2016 कैश फ्लो स्टेटमेंट पे अप्लाई नहीं है बेसिकली, जो आप नॉट अप्लाई टू ऑडिटर रिपोर्ट ऑन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये बेसिकली क्या है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हुआ है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कारो 2016 रिपोर्टिंग नॉट अप्लाई टू ऑडिटर रिपोर्ट, कंसोलिडेटेड में एप्लीकेबल नहीं है बेसिकली। मतलब ये चीजें हमें याद रखनी है, 5 चीजें हैं, बैंकिंग पे नहीं लगेगा, इंश्योरेंस पे नहीं लगेगा, कंपनी जिनको लाइसेंस मिला हुआ सेक्शन 8 के अकॉर्डिंगली जो कि नॉन प्रॉफिट कंपनीज हैं उनपे नहीं लगेगा, एंड 1% कंपनी में नहीं लगेगा, स्मॉल कंपनी में नहीं लग रहा, दैट डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 ऑफ द कंपनी एक्ट, प्राइवेट कंपनी में नहीं लग रहा। अगर प्राइवेट कंपनी 4 तरह की कंडीशन सेटिस्फाई करती है, 4 कंडीशन क्या है, एक तो ना कि प्राइवेट कंपनी शुड नॉट बी अ सब्सिडियरी और होल्डिंग कंपनी ऑफ एनी पब्लिक कंपनी, फर्स्ट वन। प्राइवेट कंपनी की जो पेड अप कैपिटल रिजर्वेड सरप्लस 1 करोड़ से कम होना चाहिए, वो कब चेक करा जाएगा, बैलेंस शीट डेट को एज ऑन 31 मार्च। बॉरोइंग किसी भी बैंक या इंस्टीट्यूशन से किसी भी साल में किसी भी दिन अगर आपकी 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम होनी चाहिए। एंड लास्ट टोटल रेवेन्यू इवन इंक्लूडिंग द डिस्कंटिन्यू, कोई काम बंद भी कर दिया उसका भी ऐड करके, जो आपने शेड्यूल 3 के अंदर रेवेन्यू दिखाया टोटल रेवेन्यू 10 करोड़ से कम होना चाहिए, 10 करोड़ होगा तो चलेगा। अगर इसमें से लिमिट वायलेट, मान लो 11 करोड़ हो गया या 2 करोड़ हो गया या 1 करोड़ से कम ही है, तो कोई भी कंडीशन अगर आप वायलेट करते हो, इन दैट केस कारो विल अट्रैक्ट टू दैट कंपनी एंड ऑल्टर, कंपनी ऑल्टर हैज टू रिपोर्ट ऑन द कंपनी, कारो में रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी कंपनी के ऑल्टर को। इतना आपको पता लग गया होगा, मैं फटाफट रिपीट कर देता हूं, कारो सबको एप्लीकेबल है, कारो रिपोर्ट 2016 अप्लाई टू ऑल कंपनी इंक्लूडिंग अ फॉरेन कंपनी एज डिफाइंड द सेक्शन 2 सब सेक्शन 42, बट नॉट एप्लीकेबल इन 5 को एप्लीकेबल नहीं है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, स्मॉल कंपनी, कंपनी लाइसेंस अंडर सेक्शन 8, नॉन प्रॉफिट कंपनी उनको एप्लीकेबल नहीं है, 1% को एप्लीकेबल नहीं है, प्राइवेट कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है अगर वो 4 कंडीशन सेटिस्फाई करती है। 4 कंडीशन क्या है वो आपको बोलना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा बार बार मन में, वो कंडीशन क्या है, शुड नॉट बी अ होल्डिंग एंड सोसाइटी ऑफ पब्लिक कंपनी, एंड 1 करोड़ से कम होना चाहिए, पेड कैपिटल एंड फ्री रिजर्व जनरल रिजर्व, एंड बॉरोइंग 1 करोड़ से कम होनी चाहिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, एंड टोटल रेवेन्यू इंक्लूडिंग डिस्कंटिन्यूड बिजनेस से जो पूरे साल का है कंपनी का, जो शेड्यूल 3 के अंदर आपने रिपोर्ट कराया वो 10 करोड़ या 10 करोड़ से कम होना चाहिए। एंड कारो इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट ऑन, अगर ऑडिटर रिपोर्ट कर रहा है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसमें नहीं लगेगा, ठीक है ना। इतना ही करते हैं आज के लिए, ठीक है ना। आप यहां तक एक बार गो थ्रू करना प्लीज, कोई डाउट हो तो मेरे को आप
बताना, नेक्स्ट क्लास में आधी गली में आपके डाउट्स लूंगा, फिर आगे मैं स्टार्ट करूंगा और नेक्स्ट क्लास में कारो हम खत्म कर लेंगे, ठीक है ना। होपफुली नेक्स्ट चैप्टर हमारा शुरू होगा वाउचिंग, वाउचिंग का बेसिक मैं थोड़ा सा स्टार्ट कर लूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आप यहां तक पढ़ के आना, ठीक है। थैंक यू जी, थैंक यू, ओके।